हाय हाय, दिस इज़ रवि कुमार फ्रॉम न्यूज़ हेल्पलाइन। साकिब और हुमा, आप दोनों से सवाल है। फिल्म का ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है लोगों द्वारा, और आपसे जानना चाहूँगा कि इस फिल्म के अंदर आपको क्या लगता है, आप दोनों को क्या लगता है कि कितना पोटेंशियल होगा फिल्म के अंदर, और ये जो जॉनरा है, इस जॉनरा को कितना बढ़ावा मिलेगा, हॉरर जॉनरा को फिल्म के जरिए? जैसा कि अभी अनिरुद्ध ने कहा, हॉरर फिल्में हमारे देश में एक तरीके से बनाई जाती हैं, एंड बहुत मतलब एटलीस्ट मैंने तो बहुत टाइम से कोई अच्छी हॉरर फिल्म देखी नहीं है। और ख़ासकर जिस तरीके से फिल्म्स बनाई जाती हैं, जो उनका कंटेंट होता है, वो एक बहुत बड़ी ऑडियंस को, जो फैमिली ऑडियंस है हमारे देश की, उसको वो कट जाती है। आई थिंक ऐसा साकिब और मेरा दोनों का मानना है कि there's a huge chunk of this audience in this country that want to see horror, and they want to see clean good horror in its purest sense. तो क्योंकि हम दोनों भाई बहन हैं इस फिल्म में, तो फैमिली फिल्म तो वैसे है ही, तो और यहाँ पे भी हमने अटेम्प्ट किया एक फैमिली हॉरर फिल्म बनाए। अब उम्मीद करते हैं कि हमारा जो विश्वास है, जो कन्विक्शन है, दैट विल ट्रांसलेट। आई वुड लाइक टू थिंक ऑफ दोबारा एज अ हाई कॉन्सेप्ट लो बजट हॉरर फिल्म इन इट्स प्योरेस्ट सेंस, जो मुझे लगता है कि इट विल फाइंड अ लॉट ऑफ रेजोनेंस, नॉट जस्ट विद फैमिलीज, विद यंग पीपल। हम लोग बहुत सारी हॉरर फिल्म्स देखते हैं, मतलब एंड वी वॉच देम एंड गो लाइक कि हम लोग इतनी बाकी अच्छी फिल्में बनाते हैं, हॉरर जॉनर में आके हम क्यों एकदम सडनली यू नो एकदम पिछड़ जाते हैं। एंड क्योंकि रिलेटिविटी मीडिया है इस फिल्म से एसोसिएटेड, सो और ये उन्हीं की एक फिल्म है, एक बहुत ही पॉपुलर सक्सेसफुल फिल्म है ऑक्यूलस, जिसका हम ऑफिशियल रीमेक कर रहे हैं, एडेप्टेशन कर रहे हैं। ऑफकोर्स क्योंकि हिंदुस्तान में बनाएंगे तो कुछ कैरेक्टर्स चेंज करेंगे, कुछ इंडियनाइज करेंगे, इमोशन और डालेंगे, क्योंकि उसमें तो एक्टर्स थे, यहाँ तो आप असली भाई बहन को कास्ट किया है, तो कुछ तो केमिस्ट्री होगी उसमें। सो दिस इज़ आर हम्बल अटेम्प्ट एट मेकिंग अ प्योर हॉरर फिल्म फॉर अ लार्जर ऑडियंस। देखिए, हमें एक बात तो मान लेनी चाहिए कि अब जो भूत हमारी पहली पिक्चरों में होते थे कि जो मुंह पे पाउडर लगा के और दो कट होंगे उनके मुंह पे और हम डर जाएंगे, वो वहाँ से तो हमें इवॉल्व हो जाना चाहिए। आई थिंक हम हर जॉनरा में इवॉल्व हो रहे हैं। वी मेकिंग ग्रेट फिल्म्स, एज इन द लास्ट ईयर वी मेड सम फैंटास्टिक फिल्म्स। सिर्फ यही एक ऐसा जॉनरा है जहाँ पर हम फंस जाते हैं और हम इस जॉनरा के साथ दो तीन चीज़ों को अटैच कर देते हैं, वेदर देर इज़ सेक्स एलिमेंट इन द फिल्म और वेदर देयर सम स्लीज, और या एकदम कोई क्लब गाना आ जाएगा या कोई स्लो रोमांटिक गाना आ जाएगा। जो गाना आपने अभी देखा, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों भाई बहन का, बट ये कभी भी एट नो पॉइंट कम्स इन द फिल्म एंड डिस्टर्ब्स द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म। सो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जब बाहर से पिक्चरें आती हैं, जैसे देयर वाज अ हॉरर फिल्म दैट केम लास्ट ईयर फ्रॉम हॉलीवुड कॉल्ड, नॉट लास्ट ईयर, अ कपल ऑफ ईयर्स बैक, कॉल्ड कॉन्ज्यूरिंग। इट कम्स डाउन हेयर एंड डज ग्रेट बिजनेस, गेट्स अ लॉट ऑफ लव। सो इससे ये एक बात तो पता चलती है कि एक ऑडियंस जरूर है एक हॉरर फिल्म की, और इसीलिए ये हमारा अटेम्प्ट है टू गो एट दैट हॉरर जॉनरा कि यार जो इंडिया एक हॉरर फिल्म डिजर्व करती है, एक हम उनको एक जेन्युइन स्पूकी हॉरर फिल्म दे दें, एंड दैट्स व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू विद दिस फिल्म।